सब्सक्राइब कीजिए लॉ अपडेट्स यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें न्यू लॉ रिलेटेड जानकारी के लिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा है कि माता और पिता दोनों की सहमति के बगैर संतान को उच्च शिक्षा के लिए विदेश नहीं भेजा जा सकता। ऐसे मामलों में उस अभिभावक की सहमति विशेष रूप से आवश्यक है जिसे संतान के विदेश में रहने और पढ़ने को खर्च उठाना है। शीतल भतीजा की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में अपने पति दीपक के खिलाफ दाखिल के एक मामले में जस्टिस अकील कुरैशी और जस्टिस AHJ काठवाला की डिवीजन बेंच ने यह टिप्पणी की। शीतल भतीजा ने उच्च न्यायालय में फैमिली कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी जिसमें कोर्ट ने शीतल के पति को अपनी दोनों बेटियों को 50,000 रुपये गुजारा भत्ता देने को निर्देश दिया था। क्या है मामला? फैमिली कोर्ट शीतल और दीपक की शादी दोनों की आपसी सहमति से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के सेक्शन 13 क्लॉज बी के तहत रद्द कर चुकी है। शीतल शादी रद्द करने के लिए दायर तलाक की अर्जी में अपने और दो बेटियों के रख रखाव के लिए गुजारा भत्ता, आवास और मुकदमे का खर्च मांगा था। उन्होंने कोर्ट से अपनी दोनों बेटियों सृष्टि और श्लोका के भरण पोषण का खर्च और खार जिमखाना की अपनी एसोसिएट मेंबरशिप बहाल करने की मांग भी की थी। हालांकि कोर्ट ने फैसले में उनकी अधिकांश मांगे नहीं मानी गई जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर की। अपील में शीतल ने खुद के लिए 50,000 रुपये अंतरिम गुजारा भत्ता मांगा, साथ ही अपने और अपनी बेटियों के लिए 55,000 रुपये मकान का किराया मांगा था। उन्होंने बेटी की ऑस्ट्रेलिया में हुए उच्च शिक्षा पर खर्च 1,20,00,000 रुपये की भरपाई की भी मांग की थी। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी के लिए पढ़ाई की बची अवधि के लिए हर महीने लगभग $2,100 के बराबर राशि की मांग भी की थी। साथ ही छोटी बेटी श्लोक के लिए 1,00,000 रुपये प्रति माह का गुजारा भत्ता और मुकदमे में खर्च 20,000 रुपये की मांग की थी। दोनों पक्षों की दलीलें। जस्टिस अकील कुरैशी और जस्टिस AHJ काठवाला की डिवीजन बेंच के समक्ष शीतल की ओर से एडवोकेट अभिजीत सरवटे और अजिंक्य उड़ाने ने पक्ष रखा, जबकि पति दीपक की ओर से आशीष कामत और रामचंद्र यादव ने दलीलें पेश की। वादी के वकील एडवोकेट अभिजीत सरवटे का कहना था कि शीतल के पति दीपक के पास आमदनी के कई स्रोत हैं जिसकी जानकारी उन्होंने फैमिली कोर्ट को नहीं दी, साथ ही उच्च न्यायालय से भी छिपा रखी है। दीपक का सूद पर रुपए देने और फाइनेंसिंग का कारोबार रहा है। वो अतीत में कई पॉपुलर हिंदी फिल्मों में भी पैसा लगा चुके हैं। वो कई अचल संपत्तियों के मालिक हैं और आलिशान जिंदगी जीते हैं। एडवोकेट सरवटे ने कहा कि जब दीपक और शीतल साथ रहते थे तब वे छुट्टियों में अक्सर विदेश जाया करते थे। वे अपने साथ बच्चों की देखभाल के लिए आया भी और ले भी जाते थे। ये तथ्य दीपक की आमदनी और उनकी आलिशान जिंदगी का स्पष्ट खुलासा करते हैं। अपील के मुताबिक शीतल ने अपनी बड़ी बेटी सृष्टि को पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा था जिसके लिए उन्होंने एजुकेशन लोन लिया था और पैरामाउंट टावर स्थित फ्लैट को गिरवी रखा। सृष्टि ने 2014 में ऑस्ट्रेलिया की एडिथ कॉवन यूनिवर्सिटी में स्नातक में दाखिला लिया था। शीतल के मुताबिक 5 साल के कोर्स का अनुमानित खर्च 1,20,00,000 रुपये है। वहीं वादी की दलीलों के जवाब में प्रतिवादी दीपक के वकील आशीष कामत ने कहा कि उनके मुवक्किल दिल के मरीज हैं और अब उनके पास कोई सक्रिय बिजनेस नहीं रह गया है। दो अचल संपत्तियों जिनमें एक उनका आवास है और दूसरी लीज पर दी गई है, उनके पास कोई अचल संपत्ति भी नहीं है। एडवोकेट कामत का कहना था कि वादी शीतल अपने कारोबार में लगी हुई है, वो मकान से भी पैसे कमाती है, दोनों बेटियों के नाम फ्लैट है जिससे लीज के एवज में हर महीने 1,30,000 रुपये की आमदनी होती है। हाल ही में वो मेमर्स लेरीज इम्पैक्स नाम की फर्म से भी जुड़ी हुई थी जिसके एवज में उन्होंने हर महीने 75,000 रुपये की कमाई होती थी। अदालत ने कहा कि पति को निश्चित रूप से पूरा अधिकार है कि वो विदेश में पढ़ने जा रही संतान के विश्वविद्यालय कोर्स और उस कोर्स में संतान के रुझान के बारे में पूछताछ करें। वादी ऐसे मामलों में एक तरफा फैसला लेकर पिता को पढ़ाई का बिल नहीं पकड़ा सकता। मामले में पति की आर्थिक हालात और यह देखते हुए कि उनकी बड़ी बेटी सृष्टि ऑस्ट्रेलिया में अच्छा कर रही है, कोर्ट दीपक को वादी शीतल भतीजा को 4 हफ्तों के भीतर 25,00,000 रुपये देने का निर्देश देती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो फिर वीडियो को लाइक करें,
अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और हाँ, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।